सब लोगों से स्वागत है सिक्योरिटी बाजार में। और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा पीसी जूलर लिमिटेड के बारे में, जिसमें इन्होंने कंपनी ने बायबैक का ऑफर रखा था 424 करोड़ का। फिर इसने काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेटेजी की और दिवाली पे इसे काफ़ी बड़ा भी, फिर उसके बाद ये फिर डाउन पे आ गया है, 10% टूटा है आज के टाइम और काफ़ी गिरावट के साथ। और जिन लोगों को लग रहा है कि ये शेयर क्रॉस करेगा अप्रॉक्स 600 के आसपास में, और जिनकी बाइंग 100 से ऊपर की है, मैं मजाक नहीं बना रहा उन लोगों का, लेकिन कहना चाहूँगा कि इस शेयर से बायबैक करके अगर आपने टाइटन जैसे शेयर में इन्वेस्टमेंट की होती तो आपकी इन्वेस्टमेंट अच्छी खासी पहुँच जाती। और जैसे कि कांड हुआ था बीच में तो इस स्कैम में भी थी, तो उस वजह से थोड़ा सा प्रभाव इस शेयर पर बहुत ज़्यादा पड़ा है। तो क्या राय है इस शेयर को लेके, क्या इसमें अभी भी बने रहना चाहिए या फिर अभी बाय करना स्टार्ट करना चाहिए या फिर इसमें शॉर्ट सेल करना चाहिए, क्या चीज़ें करनी चाहिए, उस चीज़ के बारे में मैं आपको थोड़ा थोड़ा बता दूंगा कि क्या इसमें अप्रोसिंग कर लेते हैं। जल्दी से शुरू करते हैं ऐसी ज्वेलर की लिमिटेड की। पहले हम बात कर लेते हैं फंडामेंटल्स की, तो फंडामेंटल्स में इसमें क्या हो रहा है वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। जहाँ सितंबर 2017 में 2622 करोड़ का इसका नेट सेल थी, वो अभी गिर के 1635 करोड़ हो चुकी है, ठीक है। तो उस हिसाब से आप प्रॉफिट भी मान सकते हैं कि कितनी गिरावट आ चुकी है, मतलब 33% की एक साल के अंदर में अच्छी खासी गिरावट आ चुकी है। अब बात कर लेते हैं जो इसमें चीज़ें जो चल रही है, जैसे कि पीसी ज्वेलर्स और बकरांजी जैसे शेयर्स हैं वो काफ़ी अपने मैनेजमेंट की वजह से काफ़ी ज़्यादा डाउन में आ चुकी है, तो वो काफ़ी प्रभाव डाले शेयर्स पे और उसकी सेल्स होती चली जा रही है, से ये काफ़ी ज़्यादा डाउन आ रहे हैं शेयर्स, तो पीसी ज्वेलर्स में से एक है। और तीसरी अगर मैं बात करूँ क्या करना चाहिए इसके शेयर्स के बारे में, तो आप लोगों को क्या करना है, अभी भी शेयर से अगर आप लोगों को प्यार है तो इसमें इंट्राडे खेलिए, ठीक है। इतना ही है इस शेयर के लिए और कुछ नहीं है। लॉन्ग टाइम के लिए आप अभी इसे कुछ होल्डिंग कर सकते हैं, जिनकी पहले से होल्डिंग है मैं तो वो कहता हूँ एग्जिट करके टाइटन जैसे शेयर में आप मूव कीजिए, वहाँ पे आपको अच्छा खासा रिटर्न मिलेगा, क्योंकि टाइटन का भी हमने देखा तो काफ़ी उसका जी कर्व बनता चला जा रहा है उसके शेयर में। तो समझ लेना चाहिए जब कंपनी में दिक्कत आने तो आपको समझ लेना चाहिए कि अब इससे बायबैक करना ठीक रहेगा, इनकी तरह नहीं जो इन्होंने बायबैक का ऑफर जो लेके आए थे 424 करोड़ का, वो तो बस स्ट्रेटेजी थी इनकी शेयर को अप्रिशिएट करने की। और पता नहीं मैनेजमेंट ये क्या कर रही है, समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन अभी जो इसमें जो मूवमेंट हो रही है, बस मैं उसके हिसाब से बता सकता हूँ कि इसमें बस इंट्राडे में आप ट्रेडिंग कर सकते हैं, कैश में अगर उठाएंगे तो अपने नुकसान में है, क्योंकि काफ़ी लोगों को लगा था कि 100 भी क्रॉस नहीं करेगा, तो ये देखिए 50 भी से भी ज़्यादा नीचे डाउन ये गया, 46 के अप्रॉक्स में ये हिट करा, जो कि अभी भी सिचुएशन लग रही है कि वो वहाँ पे दोबारा से हिट कर सकते हैं, कि पुअर मैनेजमेंट के हिसाब से ये सारी चीज़ें हो रही है। और जैसे मैंने बकरान जी का भी बताया था, वो भी काफ़ी ज़्यादा डाउन हो चुका है, और जो इन दोनों की स्ट्रेटेजी आई थी बायबैक की, उससे कोई फायदा नहीं हुआ है शेयर्स को, और बिल्कुल साफ दिखाई देता है फंडामेंटल डाउन है, मैनेजमेंट ख़राब है, तो उससे शेयर से पीछे हटना ही ठीक रहेगा। तो ये थी थोड़ी बहुत राय, ठीक है, मेरी कि शेयर्स को लेके, अगर आप भी अभी भी बनाना चाहते तो मैंने अपनी राय दे दी, इंट्राडे मारी है, और दूसरे शेयर में मूव अप करना चाहते हैं तो इसके कॉम्पिटिटर टाइटन जैसे शेयर में आप जरूर जाइए, तो वहाँ पे आपको अच्छे खासे रिटर्न मिल सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे भी देखा कि प्रमोटर ने भी अपनी होल्डिंग थोड़ी सी कम की, जो 2018 से थोड़ा सा स्टेक कम किया, FIS ने अपने स्टेक कम किया, म्यूचुअल फंड ने भी अपने स्टेक कम किया है, तो ये थोड़ी सी समझने वाली बात, समझदारी वाली बात ये होगी कि अगर आप दूसरे शेयर पर जाते हैं। तो इस वीडियो को यहीं पर खत्म करता हूं, इस वीडियो के साथ जल्दी लौटूंगा, तब तक अपना ख्याल रखिएगा।